Hello everyone. So this is Narendra. I am a psychologist, author and trainer. So today I am going to share you different parenting styles. तो आज मैं कुछ parenting styles के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आप use करके अपने parenting style को change कर सकते हैं. Basically there are four different types of parenting. पहला आता है authoritarian parenting. इसमें क्या होता है कि बच्चे को वो parent freedom नहीं देता है और बच्चे के साथ बहुत ही strict एंड बहुत ही यू नो कंजेस्टेड रूल्स रखता है जिसकी वजह से बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है. और ये पेरेंटिंग स्टाइल में फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक हार्ड एंड स्ट्रिक्ट फास्ट रूल्स रखते हैं जिसको बच्चा यू नो कॉप अप नहीं कर सकता है जिसके वजह से बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है. सो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज दैट पेरेंटिंग वेयर पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर वेरी रिजिड. सो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना स्ट्रिक्ट बनाते हैं कि बच्चे फॉलो नहीं कर पाते. और फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बच्चे के फ्यूचर में होता है कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और वो कुछ भी तरह का नए एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत यू नो रुक जाता है. सो बेसिकली अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज़ अ रॉन्ग स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. इट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रिक्टनेस बट इट इज़ अबाउट लव एंड अफेक्शन वी शुड शो टू आर किड्स. सेकेंड पेरेंटिंग आता है दैट इज़ परमिसिव पेरेंटिंग एंड अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग. तो बेसिकली अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग क्या होता है जिसमें पूरी तरह से फ्रीडम दिया जाता है और ये फ्रीडम की वजह से बच्चे जो है गैजेट्स के ऊपर या फिर जो भी चीज़ें जो है उनको यू नो फ्री में मिलने की वजह से दे डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में पेरेंट बहुत नेग्लेक्ट करता है पेरेंटिंग के पीछे और बच्चे जो है गलत हैबिट सीख लेते हैं, उनका यू नो वर्बल मिसयूज होता है, वो नेग्लेक्ट कर किया जाता है. तो इसके वजह से इनका जो है परफॉर्मेंस में बहुत ही डाउन आ जाता है, स्कूल के परफॉर्मेंस में वो लोग बहुत ही वीक हो जाते हैं. और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में पेरेंट केयर नहीं लेने की वजह से बच्चे जो है फ्यूचर में भी उसी तरह का बिहेवियर में जाएगा और वो हमेशा नेग्लेक्ट करता रहेगा चीज़ों को. इनको कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहता है, वो जैसे होता है वैसे ही करते जाते हैं. सो दिस पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो बैड पेरेंटिंग. सो थर्ड पेरेंटिंग आता है परमिसिव पेरेंटिंग. परमिसिव पेरेंटिंग इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग एज वेल एज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग. कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कभी कभी बहुत ही फ्रीडम दे देते हैं. जैसे कुछ बच्चे के साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रखते हैं लेकिन उस रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़्यादा दिन तक वो लोग टिक नहीं पाते और इमीडिएटली वो लोग फ्रीडम दे देते हैं. तो इसके वजह से क्या होगा, परमिसिव पेरेंटिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेटिव. कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और कभी कभी पूरे अनइन्वॉल्व नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इसके वजह से बच्चे के अंदर जो है ना एक यू नो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एक मोटिवेशन नहीं रहेगा और ये बेस्ट नहीं कर पाते हैं. तो बेसिकली ये तीनों पेरेंटिंग स्टाइल्स में अथॉरिटेटिव बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, अनइन्वॉल्व बीइंग कम्प्लीटली नेग्लेक्टिंग एंड परमिसिव विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये तीनों पेरेंटिंग स्टाइल्स के जो नेगेटिव ड्रॉबैक्स जो है इसको सबको दूर करता है विच इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. इसमें बच्चों को अथॉरिटी देना है और हमें देखते रहना है और वी नीड टू गाइड देम. इसमें बहुत सारा लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत होता है और इसमें बहुत सारा वॉर्म्थ की ज़रूरत होता है. और जहाँ पर बच्चों को हम लोग फ्रीडम देते हैं बट देर आर सर्टेन बाउंड्रीज, उस बाउंड्री में रख के हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं जिससे बच्चा खुद से सीख सकता है. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं एंड ही ऑलवेज नो दैट देर इज समवन हु इज़ बिहाइंड इज यू नो टू हेल्प हिम. तो इस तरह से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग. और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में बाकी जो तीनों पेरेंटिंग में जो नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बच्चे का मॉरल सपोर्ट डेवलप होता है और बच्चे का हैबिट्स डेवलप होता है, बच्चे कॉन्फिडेंस बनते हैं. तो इस पेरेंटिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो एंड आई विल बी शेयरिंग मोर टिप्स इन फ्यूचर. थैंक यू.